मूड अप दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र की बात करें तो 1972 में पहली बार से विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया और पहली बार यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने इस सीट से लगातार 7 चुनावों में जीत दर्ज की है। वर्तमान विधायक आप पार्टी से हैं, शिवचरण गोयल साहब। अब उनकी विधायकी में यहाँ की जनता कितनी खुश है? क्या 5 साल पहले के हालात ज़्यादा बेहतर थे या अब भी समस्याएं बरकरार है? आइए जनता का मूड जानते हैं, खंगालते हैं कि आखिर इस बार की जनता, इस बार मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधानसभा चुनाव में क्या फैसला लेने वाली है। शुरुआत करते हैं मूड ऑफ दिल्ली मोती नगर विधानसभा क्षेत्र। दर्शन पार्क यहाँ पहुँचे हैं और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह की परेशानी है यहाँ के रहने वाले लोग ही ज़्यादा बता सकते हैं। क्या समस्या क्या क्या है? ये गंदी है, ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, लाइटें नहीं जलती यहाँ, इधर से उधर तक स्ट्रीट लाइट नहीं है? नहीं, उस साइड है, इस साइड तो पूरे एरिया, इधर से लेके इधर तक अंधेरा होता है रात के टाइम। फिर दिक्कत तो आई है ना, थोड़ी बहुत। कभी कोई आया ही नहीं है, जब इलेक्शन आएंगे तब आ जाएंगे, वैसे कोई नहीं आएगा। मतलब इन 5 सालों में ज्यादा बुरा हाल हुआ है या पहले से ही ऐसे था? से ही ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं है, चाहे कोई भी बने। पहले तो आपके यहाँ बीजेपी से विधायक थे? इलेक्शनों में ही आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। अच्छा, इलेक्शन नजदीक आते हुए भी तो आएंगे अभी। अब आएंगे तो फिर अब आप किसे चुनेंगे फिर? पता नहीं, अभी तो कोई नहीं कर रहा। मैं तो सच बताऊं तो मैं इलेक्शन वोट डालने नहीं जाती आसानी से। तो देखिए यहाँ पर विश्वास लोगों का ऐसा है क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहा। आप भी यही रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं तो टेकोर गार्डन रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ काम करते हैं? हाँ, यहाँ सर्विस करते हैं। कैसा है, समस्या वगैरह है? समस्या तो ये देख रहे हो आपके सामने ही है, सड़क पे क्या हाल हो रहा है। और क्या दिक्कत है? बस अभी तो फिलहाल तो यही है, जाने में आप लोगों को यही दिक्कत होती है। तो फिर से विधानसभा चुनाव आने हैं, फिर से विधायक चुनना है, क्या लग रहा है दिल्ली के लिए कौन लग रहा है? देखो, अब दिल्ली के लिए जो काम करेगा उसी को देंगे वोट। अब कहने को तो सारे कहते हम आएंगे, हम देंगे आपको, जब देने के वोट मिल जाता उसके बाद वो देखते नहीं है कि गली में क्या हो रहा है। भाजपा के टाइम कैसा था? भाजपा के टाइम कैसे था पहले? तो हम के टाइम पे सही था, अब सही है भाजपा के टाइम में थोड़ा बहुत। चलो ये तो है, चोरी चपाटी तो नहीं होती। सीसीटीवी कैमरे तो केजरीवाल सरकार लगवा रही है ना? तो केजरीवाल ने कैमरे लगाए हुए हैं, देखो वो चलते भी है नहीं चलते, कोई उसकी गारंटी। कैमरे लग गए लेकिन वो चल रहे, कोई चल रहा कोई नहीं चल रहा। बाकी इधर वालों से आप पूछो, बताएंगे आप। मेरे घर के यहाँ पे तो सारे कैमरे चल रहे हैं। आप भी अंकल यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। है अंकल दिक्कत सुदर्शन पार्क में कुछ? किस बारे में क्या समस्या? कुछ सड़क बिजली पानी, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, विधायक ढंग से काम कर रहे हैं नहीं? यहाँ तो समस्या है, सड़कें देखो आप बिल्कुल अभी जू की पड़ी हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं है। आखिरी बार यहाँ की सड़कें कब बनी थी? मेरे ख्याल से जिसने पिछले लास्ट जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उसने हुआ था, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं है, कोई सड़क नहीं बनी, बिल्कुल खड़े पड़े हैं। देखो मौजूदा विधायक जो है शिवचरण जी, कुछ काम वो कर रहे हैं? हाँ, वो थोड़ा बहुत किया है उन्होंने, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया। समस्या सुदर्शन पार्क की है क्या? क्या क्या दिक्कतें हैं? सड़कों का एक हाल हो रहा है, सड़कें हैं, बिजली पानी सब सही है? बिजली तो ठीक होगी? बिजली का ठीक हो गई है, बिजली का ठीक हो गया, और पानी का भी काफी हद तक ठीक हुआ है, फर्क पड़ा पहले से, हमें काफी फर्क है। क्या लग रहा है चुनावों में मुख्यमंत्री वापस वापसी करनी चाहिए सरकार को? वापसी तो चांस उन्हीं के लग रहे हैं, केजरीवाल के, बीजेपी की तरफ से आना किसे चाहिए ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांस केजरीवाल के लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी का तो नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है। भूखे मार दिए, प्याज 150 रुपए किलो करवा दी, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे पालेंगे, फैक्ट्री बंद करवा दी, कहाँ जाए उनको रोने जाए, बताओ उनको बुलाओ ना किसी को आके। मोदी ये तो बधाई कि ये काम अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हुआ, महंगाई कर दी, प्याज नहीं खरीद दिया, छोड़ दिया हमने तो, प्याज के दर्शन करने छोड़ दिए, क्या करेंगे, आटा 30 रुपए किलो कहाँ से लाएं? तो फिर कौन बढ़िया है हमारे लिए? तो केजरीवाल बढ़िया है, कांग्रेस का राज बढ़िया था, सस्ता तो खा रहे थे, यहाँ तो महंगाई 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 महंगाई, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हमारे, कहाँ से भरेंगे फीस,
तनखा कुछ है नहीं, कुछ भी महंगा इतनी कर रखी है ना प्याज, क्या करेंगे बताओ, ना आटा खा सकते गरीब। आज आलू 40 रुपए किलो है, नाम के लिए बिजली पानी। तो और क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ तो ये कोई, यहाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सुरक्षा पार्क में सारे काम बढ़िया है, सड़क वगैरह नाली वगैरह टूटी हुई है। कहाँ की मैम टूटा? अब ऐसा है ना, अब आप ब्लॉक में जो रहते हैं, हम जो ब्लॉक में रहते हैं, हम जो बी ब्लॉक में रहते हैं, वो सड़क सारी बनी हुई है उधर की सारी, है ना, पानी टाइम से आ रहा है। तीन महीने से मेरा बत्ती का बिल जीरो आ रहा है, तीन महीने हो गए। हाँ जी, पानी सारा माफ है, पूरा पानी का बिल मैंने 2 साल से नहीं भरा पानी का बिल। ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो आप बताइए, चाहिए जी केजरीवाल को वोट जाएगा हमारा, भाजपा नहीं। हाँ जी, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे लोग का भी काम बहुत यहाँ का बुरा हाल हो गया है, अब ये सब कैसे होगा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो चलिए सुदर्शन पार्क में हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ आपने देखा जनता का मूड क्या है इस बार, क्योंकि काम और नाम दोनों ही इन्हें चाहिए भी, लेकिन जब वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती है तो नाराज़गी जग जाहिर होती है। तो आज फिलहाल हम यहाँ मोतीनगर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, सुदर्शन पार्क से हमने आपको बताया क्या है जनता का मूड। आगे बढ़ते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहाँ क्या चाहती है जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। मोतीनगर की मेन मार्केट में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ की मुख्य मार्केट इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ आपको मैं तस्वीर दिखानी चाहूँगी, ये पूरी ये मार्केट है यहाँ की, आप अंदर भी जाएंगे तो आपको वही मेन मार्केट यहाँ दिखेगी। आइए यहाँ पर ही कुछ लोगों से ये बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ समस्या है या नहीं है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं। आप यहीं कब से आप दुकान लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कब से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? तो 28-30 साल हो गए। 28-30 साल, रहते भी मोतीनगर में ही है? नहीं, रहते तो हम करमपुरे हैं। कहाँ पर? करमपुरा, मोतीनगर में ही आता है, विधानसभा वही पड़ती है। तो दिक्कत समस्या है मोतीनगर विधानसभा की अगर हम बात करें, आपकी करमपुरा की बात करें? समस्या तो मूलभूत रहती ही है और ये जल्दी आसानी से दूर तो होती नहीं है, पर पहले से बेहतर है। पहले से वो पहले कौन सा है, 5 साल पहले? 5 साल पहले और आज में फर्क है। अभी जैसे स्कूलों वगैरह में व्यवस्थाएं बढ़ी है, बच्चे अच्छे मतलब जा रहे हैं स्कूल, पानी वगैरह सब सही आ रहा है। दिक्कत थी पहले यहाँ पानी की? पानी की तो दिक्कत थी, गंदे पानी आ रहे थे पीछे, बहुत गर्मियों में तो बहुत गंदा पानी आ रहा था। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, साफ सुथरा है। और विधायक साहब की बात करें, शिवचरण जी कैसे हैं, सुनते हैं, काम करते हैं? काम तो उन्होंने बहुत किया है, मतलब उनके आने के बाद कुछ तस्वीर बदली बहुत है। बहुत बदली है, ऐसा नहीं है, शिवचरण जी ने बहुत काम किया है, सुधार बहुत हुआ है। कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत थी? ये देखो जी, मोतीनगर में पहले नाले वाले की दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होता था, भर जाते थे, उसके बाद होता था नाले, फिर रिपेयरिंग हुआ, सीढ़ियों की हुआ है, थोड़ा रोडों को हुआ, बिजली को हुआ, स्कूलों में सबसे सुंदर काम हुआ है। हमारे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट। पहले क्या हालत थी स्कूलों? पहले तो स्कूलों में सही नहीं थी, जब से केजरीवाल आए स्कूलों में बहुत बेहतर थे। हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो गई है, लाभ मिल रहा है लोगों को, सरकारी हॉस्पिटलों की तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले और कुछ समस्या है यहाँ मोतीनगर में? जी हाँ, तो बहुत समस्या है, समस्या ही समस्या, केजरीवाल सरकार कोई काम नहीं करा सकती है। क्या समस्या क्या है जिन पर काम नहीं हुआ? समस्या को सब ये सीवर उबर सारे जाम पड़े रहते हैं, यहाँ बारिश थोड़ी सी बारिश होती है सारे भर जाते हैं। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा मैडम। तो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम तो सीवर लाइन डाल रहे हैं हर जगह, सीवर की समस्या खत्म कर रहे हैं, सिर्फ बस फ्री करा सकते हैं और ये दुनियादारी फ्री करा सकते हैं, फ्री में वो चुनाव जीत सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो जीत नहीं सकते। फ्री कर रहे हैं तो लोगों को लाभ तो मिल रहा होगा ना, तभी तो लोग। मैडम हम ऐसा नहीं करते, जब चुनाव आने वाला होता तभी करते हैं, चुनावी स्टंट है ये। आप बताइए बाबा, आप बताइए, आप यही रहते हैं? जी रहते हैं। समस्या वगैरह कुछ नहीं मैम, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। मतलब खत्म हो गई है या मोतीनगर में कभी समस्या ही नहीं थी? नहीं मैडम, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है। अच्छा। मैं तो यही कहूँगा, बीजेपी से तो बहुत अच्छी है। अच्छा, कांग्रेस से? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। बाकी सब ठीक है मैडम यहाँ पे, वैसे बाकी थोड़ा बहुत सफाई का ध्यान नहीं है। सफाई तो एमसीडी के अंदर है, एमसीडी के अंदर बाकी कोई काम नहीं होता, दोनों में से किसी का काम नहीं करके राजी होते दोनों।
बाकी फिलहाल बाकी कुछ ऐसे विधायक के कामों की अगर हम बात करते हैं आपके, सड़क, पानी, सीवर जैसे समस्या, वो बताते हैं कि सीवर की समस्या है। सीवर समस्या तो है, विधायक का तो काम जैसे सीवर का है तो कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं केजरीवाल सरकार बढ़िया है, विधायक काम नहीं कर रहे तो फिर कैसे बढ़िया? मैडम ऐसे एमसीडी के अंडर आता है ये सीवर का काम। सीवर लाइन डालने का, नालियों साफ करने का, ये काम तो मैडम एमसीडी का है। और सीवर लाइन डालने का और जो ये चौक हुई पड़ी है इन सबको, ये सब जो है नई लाइन्स डलेंगी, ये काम तो उसका ही है ना, डीडीए के अंदर ही आता है। मैडम फिर मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल सरकार बढ़िया है और कोई नहीं है। नहीं, विधायक से तो आपकी नाराजगी है? विधायक से तो नाराजगी है, कुछ भी नहीं करते ये लोग, खुद ही सफाई करवाते हैं मैडम हम यहाँ पे पैसे दे के। तो फिर कैसे बढ़िया निकले वो? फिर मुखिया बढ़िया है, मुखिया बढ़िया है, बाकी सब नीचे वाले सब ऐसे ही हैं। तो यहाँ से इस बार क्या आपके विधायक नहीं जीतेंगे? देखो दूसरी पार्टी चुनेगी इस बार, इसका कुछ कह सकते हैं? भाजपा के तो यहाँ पहले से भी रहे हैं, भाजपा के तो पहले ही रहे हैं, काफी टाइम से भाजपा ही थी यहाँ पे। सही था, सही पहले भी नहीं था, वैसे ही है, प्रॉब्लम वही सेम ही है। अच्छा, कुछ खास बदलाव? कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पर पद पर आपको हाँ थोड़ा मुख्यमंत्री की देखकर फेस को देखोगे तो थोड़ा लगता है हाँ कुछ है जीतने का चांस। अच्छा। पर वैसे नहीं है। हाँ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए तो रखते हैं, मतलब आना चाहिए उन्हें या नहीं? वो नहीं आ सकते मैडम, वो सिर्फ बिजली फ्री है जो, और ये पानी वानी जो फ्री है इसीलिए लोग कह रहे हैं, लेकिन आने नहीं आएंगे नहीं। जो फ्री वाला जो गोलगप्पा है ना वो लोग अभी खा रहे हैं तो उसकी वजह से लोग खा रहे हैं। तो आना चाहिए, वो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि अब क्या होगा। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी है और बीजेपी की ही आनी चाहिए, बाकी सबका अपना अपना मत है। ये नहीं कहते केजरीवाल जी बुरे हैं, केजरीवाल जी भी अच्छे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? काम इतना नहीं हुआ है। चलिए तो ये है मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की ये मेन मार्केट है मोतीनगर की। अगर जमीनी स्तर पे देखें तो कुछ खास काम हुए नहीं है, लोग यहाँ परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी आप यहाँ, मुझे लगा आप यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन आप यहीं खड़े हैं, तो बताइए कुछ मोतीनगर के बारे में, कुछ अच्छा कुछ काम हुआ यहाँ? काम तो अच्छा हुआ, मगर सफाई नहीं है। अच्छा। सफाई का काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बस सड़कें देखो टूटी फूटी हैं, बस यही मेन काम है हमारा, और क्या है। काम धंधे पे फर्क पड़ता है इससे? देखो काम धंधा थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही ना, सफाई हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा कस्टमर आएगा, बाकी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी नहीं है। तो मतलब विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं ये? विधायक तो ठीक है, विधायक ठीक काम करते हैं। अच्छा। विधायक नहीं बनवा पाए आपके यहाँ? नहीं, वो गड्ढे भड्ढे या बरसाते हैं कोई तो हो जाता है ना। हाँ। विधायक तो ठीक है हमारे बेचारे। अच्छा। शरीफ आदमी, अच्छा काम करते हैं, सुनते भी विधायक अच्छे हैं, विधायक को वो नहीं है, अच्छे हैं काम लेकिन अच्छे नहीं कर पाए। काम अच्छे बस ऐसे ही है, सफाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो उनके अंदर में काम होगा वही करेंगे ना, ये थोड़े ना नहीं बन रही, लेकिन काम वो थोड़ा करेंगे। सड़क नहीं बन रही, लेकिन सड़क नहीं बन रही, उनके अंदर में जो काम है वो अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। काम ऐसा करते हैं विधायक हमारे अच्छे, विधायक बढ़िया है लेकिन चाहते भाजपा है। चले तो ये है यहाँ की जनता का मूड, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र, मोतीनगर की मेन मार्केट। आगे बढ़ते हैं, आइए मोतीनगर में लगातार हम बात कर रहे हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव को, बेहद दिलचस्प लग रहा है। कहीं के ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रों में काम हो भी नहीं रहा, जमीन पर काम हो भी नहीं रहा, फिर भी वहीं सरकार चाहते हैं। कुछ एमसीडी से नाराज हैं फिर भी भाजपा को दिल्ली में चाहते हैं, तो फिलहाल ये हालात दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और अगर आप यहाँ मार्केट की हालत देखेंगे तो कुछ मैं आपको सबसे पहले तस्वीर में आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी कि पूरा एंट्रेंस है इस मार्केट तक आने का, और अगर आप आगे भी जाएंगे तो इसी तरह के आपको हालात दिखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना काम यहाँ धरातल पर है या नहीं। अब लोग जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं या जो यहाँ रह रहे हैं वो कितने संतुष्ट हैं, आइए भी बात करते हैं। आप भैया कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम तो पैदा ही हैं मैडम। अच्छा, इसी इलाके में? हाँ। तो पहले में आप में कुछ फ़र्क देख रहे हैं, अगर 10 साल की बात करते हैं, 5 साल ये और 5 साल पहले? तो पहले और अब में फ़र्क तो रहेगा ही ना, क्योंकि सुविधाएं बढ़ती हैं, लोग बढ़ गए,
सुविधाएं लोग बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, बढ़ी हैं। समस्याएं यहाँ क्या क्या हैं वैसे इस इलाके की? समस्याएं है क्या, शौचालय की समस्या है, क्योंकि लोग बाहर जाना, लोगों के पास घरों में तो है नहीं, बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए जो पहले थे वही हैं, नया नहीं बना। अच्छा, तो वो कम पड़ रहे थे? कम है। आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। आपके अकॉर्डिंगली क्या समस्या है यहाँ पे? वही मेन जो बताया उन्होंने, शौचालय की प्रॉब्लम है, बाथरूम वगैरह के लिए लेडीज को बाहर जाना पड़ता है, यही मेन है। बाकी लाइट वाइट तो सारी ठीक है। पानी पहले ज़्यादा आता था, अब दो टाइम पानी आता है। पहले चार चार घंटे पानी आता था, अब एक घंटे सुबह पानी आता है, एक घंटे शाम पानी आता है, जिसमें कभी कभी शाम को भी नहीं आता, जिससे पानी की समस्या होती है। अच्छा, मतलब ये माने कि केजरीवाल गवर्नमेंट में टिम्बर मार्केट में पानी की दिक्कत है? नहीं, टिम्बर मार्केट में पहले रेगुलर ज़्यादा पानी आता था, अब कम आता है, एक घंटे आता है। समस्या बढ़ गई ना पानी की? पानी की समस्या तो बढ़ गई है। और क्या दिक्कत? और सड़क वगैरह तो जो पहले वाली सरकार में थी वही है। अभी कोई सड़क में कुछ नया निर्माण नहीं कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट के अंदर टूटी सड़कें आगे जाएंगे तो। अगर विकास की बात करते हैं, विकास हुआ है यहाँ? इस एरिया का विकास नहीं, वैसे टोटल जो उन्होंने स्कूल वगैरह के अंदर काम किया है वो अच्छा काम किया है केजरीवाल सरकार ने, स्कूलों में, हॉस्पिटल के अंदर अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आपके टिम्बर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर इधर इतना विकास नहीं हुआ है। वाईफाई बोल रहे हैं लेकिन इधर कोई वाईफाई भी नहीं लगा है, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। शौचालय, विधायक जी बढ़िया हैं? हाँ, विधायक जी तो ठीक है, पर्सनली ठीक है, काम करते हैं? नहीं, काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम करते हैं, हम तो पर्सनली रहते हुए पानी भी पानी की समस्या बढ़ गई, उनके रहते हुए सड़क नहीं बनी, फिर कैसे? नहीं, सड़क तो नहीं बनी, आप विधायक जी से पूछ सकते हैं कि सड़क बनी नहीं बनी, फिर कैसे बढ़िया हुआ? नहीं, वैसे जो स्कूलों में काम हुए वो तो केजरीवाल सरकार पूछा ना आपने, विधायक के बारे में तो नहीं पूछा। पूछा मैंने, नहीं विधायक के बारे में बोला, विधायक बढ़िया है, वैसे बढ़िया होंगे, लेकिन पानी विधायक के आने के बाद ही कम हुआ है, एक एक घंटा सुबह काम नहीं हुआ ना। हाँ, केवल सुलभ का काम हुआ बस। चलिए, और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से बात करने की। आप लोग भी यहीं रहते हैं? आप बताइए अंकल, यहीं रहते हैं? चलिए, क्योंकि मार्केट एरिया है और यहाँ पर जिस तरह के आप देख सकते हैं काम यहाँ हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम और इलाकों में गए थे, वहाँ लोगों से बातचीत की थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर व्यू आ रहा है वो यही है कि काम धरातल पर कुछ हुआ नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन पूरे दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है उसके बिना पर ज़रूर यहाँ पर कुछ जो लोग हैं मौजूदा सरकार को ही चाहते हैं। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आपसे। आप यहीं रहते हैं अंकल जी, कैसा है, कुछ समस्या वगैरह है? जैसे किस मसले पर? विधानसभा चुनाव है, विधायक चुनेंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे, समस्या? हाँ, नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है पर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे सीवर की पानी वानी की दिक्कत होती है, टाइमली आती है, घंटा ही आता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा डब्बे लेकर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो थोड़ी पानी की और वो बढ़ाया जाए टाइमिंग, जैसे एक घंटे की जगह दो घंटे। पहले रेगुलर आता था? रेगुलर आता था, सुबह से शाम तक आता था, अब सिर्फ एक घंटे आता, बस एक घंटे में थोड़ी क्राउड ज़्यादा है, इस वजह से पानी बढ़ गई है। और नालियों का मुख्यमंत्री जी तो पूरी दिल्ली में पानी देने की बात कर रहे हैं। मैम, मुख्यमंत्री जी तो कर रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ बहुत पानी आता था, लेकिन अब सिर्फ एक घंटे आता है, एक घंटे में पूरा तो हो नहीं। मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट आने के बाद तो नुकसान हो गया आप लोगों को? नहीं, नुकसान तो केजरीवाल गवर्नमेंट आने से फायदा भी है, नुकसान कम है, फायदा ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है? नुकसान कम है, फायदा ज़्यादा है, यानी वापस आनी चाहिए, बिल्कुल दोबारा आना चाहिए केजरीवाल। और विधायक? विधायक जी रामचरण जी बढ़िया है यहाँ के। काम कुछ हुआ नहीं, पानी की समस्या बढ़ गई है सर? पानी की समस्या है मैम, बाकी सीवर की आप बता रहे हो? सीवर की नहीं, नाली वाली होती रहती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पर जो है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी मोटी चीजें चलती रहेगी। पानी की दिक्कत है? नहीं, पानी कोई दिक्कत नहीं, एक घंटा आते मगर हिसाब से भर लेते सुबह शाम अपना, तो आदत हो गई ना? आदत हो गई, मगर अपना टाइम सही है, फालतू पानी पहले आता था तो गिरता भी बहुत था, अब टाइम से आता है तो हिसाब से भर लेते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ये प्यार आ रहा है क्या निकल निकल के बाहर? और क्या, ये तो केजरीवाल सरकार का तो प्यार आ रहा है। अच्छा, पानी की दिक्कत भी दिक्कत नहीं लग रही? नहीं, इतना तो टाइम से आता है तो टाइम से भर लेते अपना, इतनी तो दिक्कत है भाई, है हर आदमी का दिक्कत, तो बिना दिक्कत के कोई काम तो होता नहीं है। कांग्रेस के टाइम में बढ़िया नहीं था? अरे बढ़िया तो पब्लिक तो काफी बढ़ गई है, तो उतना हिसाब से पानी आ रहा है, अब है दिक्कत है आंटी पानी की? नहीं, ज्यादातर दिक्कत नहीं है, पहले तो यहाँ पे रेगुलर आता था पानी, पहले 24 घंटा आता था, अब सुबह शाम आता है एक एक घंटा। नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मोटर भी लग गया है ना, सब मोटर से पानी भरते हैं। हाँ, मीठा पानी तो सुबह शाम आता है एक घंटा।
हाँ सुबह शाम एक घंटा पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटे वाला अच्छा नहीं था कि 24 घंटे पानी आ रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा फालतू पानी गिरता था ना, बहुत ज्यादा गिरता था पानी उस तरह से। और सब बढ़िया, कुछ दिक्कत है आंटी यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। सीवर वीवर की कोई दिक्कत नहीं है आंटी? सीवर का है, कोई दिक्कत नहीं है। सीवर लग गया, पानी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल गवर्नमेंट आनी चाहिए, आना चाहिए। बढ़िया काम किया है, हर चीज किया है, बढ़िया काम किया है केजरीवाल। क्या क्या बढ़िया काम किए? अरे शौचालय बनवा दिए, हर चीज कर दिए, तो हर चीज परेशानी तो नहीं है ना। कांग्रेस के टाइम नहीं था ये सब? था लेकिन कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है पब्लिक के लिए और खासतौर पर औरतों के लिए। हाँ, हम तो चाहेंगे फ्री बस में से वो। हाँ, हम तो चाहेंगे भाई केजरीवाल ही आए अब की फिर। भाजपा को भी तो चांस दे सकते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी को सबसे बढ़िया काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़वा रहा है और कुछ नहीं कर रहा भाजपा। ये बहुत एनआरसी लड़ाई खूब करवा के बहुत बताइए, इसमें किसका फायदा है? विदेश से जो आया एनआरसी, पहले यहाँ का जो युवा है उनको नौकरी तो मिली नहीं, बीएससी करके बीए करके बैठे हुए हैं उनको नौकरी। जो बाहर से सताए हुए आएंगे उनको नौकरी कहाँ से देंगे सरकार? ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार केजरीवाल की, और फिर दोबारा आएंगे किसी भी मुद्दे पर। देखो बच्चे हैं स्कूल के बच्चों से भी पूछ के देखिए कितना अच्छा काम किया, हॉस्पिटल में जाकर देखिए तो बहुत अच्छा काम। फायदा मिल रहा है इन सबका? बिल्कुल, बिजली का बिल में सबको फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ना कर ही नहीं सकते। क्या कह रहे थे आंटी? ठीक है, बच्चों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको सुविधा चाहिए, हम लोग बच्चों की पढ़ा लिखा दिए हैं, उनको नौकरी चाकरी चाहिए और क्या। केजरीवाल जी दे रहे हैं नौकरी? भाई कोई भी दे, दे रहे हैं, कर रहे हैं अच्छा काम। अच्छा काम केजरीवाल तो सही काम कर रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए? नहीं, कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, मगर केजरीवाल भी उससे भी सही है। और भाजपा? भाजपा तो कोई लड़ाई झगड़ा करा रही है बस, कोई फायदा नहीं। चलिए, यहाँ कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट है ये, और यहाँ जिस तरह से लोगों का कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर है, हालांकि पानी की समस्या इस इलाके में ज़रूर बढ़ गई है, और शायद हो सकता है मौजूदा सरकार को इस बात की जानकारी ना हो, तो फिलहाल यहाँ पानी की समस्या अगर हम पिछले सालों से या पिछली सरकार के टाइम से हम कंपेयर करते हैं तो वो समस्या यहाँ ज़रूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट से। तो आज के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल मूड ऑफ दिल्ली में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे वहां की जनता की राय, जनता का मूड, आपको बताएंगे इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। तीनों ही पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन जनता किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।